नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं पोर्टलॉजी का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजा किट के इंपोर्ट के बारे में। अगर आप डायग्नोस्टिक लैब हैं या आप मेडिकल इक्विपमेंट में डील करते हैं तो आप एलिजा किट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए कि एलिजा किट को इम्पोर्ट कैसे किया जाता है, उसके इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, कौन कौन से देश से एलिजा किट इम्पोर्ट होती है और उस पर ड्यूटी कितना लगती है, साथ के साथ उस पर GST कितना लगता है, तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात, एलिजा किट होती क्या है। तो एलिजा किट एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि पैथोलॉजी लैब में ह्यूमन पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए या प्लांट डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए या एनिमल डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एलिजा किट एक ऐसे में आती है जिसमें 90, 100 इस तरह से बहुत सारे टेस्ट किट्स होती हैं। तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि एलिजा किट आती कौन कौन से देश से हैं। तो एलिजा किट आमतौर पर इंडिया में USA से इंपोर्ट होती हैं, साथ के साथ इंडिया में चाइना से भी एलिजा किट इंपोर्ट होती हैं। तो इन दो देशों से आमतौर पर एलिजा किट इंडिया में इंपोर्ट करी जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि इन पे ड्यूटी कितनी लगती है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि एलिजा किट पे 0% ड्यूटी है, मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगती है, ये आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एलिजा किट इंपोर्ट करने के लिए आपको कोई मेडिकल लाइसेंस या कोई ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको सिर्फ IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की और GST नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपको किसी और तरह के ड्रग लाइसेंस या मेडिकल लाइसेंस या हॉस्पिटल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि एलिजा किट पे 0% ड्यूटी होती है, यानी कोई ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती है। साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एलिजा किट पे सिर्फ और सिर्फ 5% GST लगता है। तो एलिजा किट को जो इंपोर्ट की कॉस्ट है उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक की कॉस्ट प्लस 5% GST प्लस कस्टम क्लियरेंस का जो आपका एजेंट चार्ज लेगा वही चार्ज लगता है। तो इसको इंपोर्ट करना उतना महंगा नहीं पड़ता है जितने बाकी मेडिकल इक्विपमेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि आप एलिजा किट का सप्लायर कैसे ढूंढ सकते हैं या पोर्टलॉजी आपको एलिजा किट का सप्लायर ढूंढने में कैसे हेल्प कर सकती है। तो आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो एलिजा किट है वो एक पेरिशेबल आइटम है, मतलब इसको एक स्पेशल टेम्परेचर में ही आप रख सकते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोर्ट होता है, मान लो आप इसको किसी देश से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोर्ट होता है एज ए पेरिशेबल गुड्स, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो एलिजा किट को ड्राई आइस के अंदर रखा जाता है या फिर एलिजा किट को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर वाले बॉक्स में रखा जाता है। तो दोनों ही केस में आपको जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी कॉस्टिंग नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से थोड़ी सी हाई आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो उसका फ्रेट है नॉर्मल आइटम के फ्रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। साथ के साथ अगर एलिजा किट को ड्राई आइस में रखा गया है, क्योंकि ड्राई आइस अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, तो वो एक ट्रांसपोर्ट एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा हजार्डस माना जाता है, क्योंकि एक सॉलिड से सीधा गैस बन रही है। तो आपको इम्पोर्ट करते हुए ये ध्यान में रखना है कि आपको उसको एज ए पेरिशेबल कार्गो ही इम्पोर्ट करना है, या अगर वो ड्राई आइस में कंटेंड है तो आपको उसको हजार्डस कार्गो डिक्लेयर करना है, यानी आपको डिक्लेयर करना है जो आप फ्रेट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो एक हजार्डस गुड्स है जिसमें से गैस की फ्यूम या CO2 निकल सकती है। तो इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिएगा और अपने फ्रेट फॉरवर्डर या अपने लॉजिस्टिक कंपनी को हमेशा बताइएगा। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आप एलिजा किट को सोर्स कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजा किट का सप्लायर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप एलिजा किट के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या आप एलिजा किट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका संपर्क एलिजा किट के सप्लायर से ज़रूर कराएंगे। हमारे सारे सप्लायर वेरीफाइड सप्लायर हैं जिससे कि इंडिया में ऑलरेडी इंपोर्ट होता है। तो जो भी हम आपको सप्लायर देंगे वो एक वेरीफाइड जेन्युइन सप्लायर होगा। साथ के साथ हम आपको कम्पिटिटिव प्राइस पे एलिजा किट सोर्स करवाएंगे, मतलब कि जो मार्केट प्राइस है लगभग उसी पे या उससे बेहतर प्राइस पे आपको एलिजा किट सोर्स करने में हेल्प करेंगे। तो अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आमतौर पर एलिजा किट कौन कौन से देश से इंपोर्ट होती है। तो आमतौर पर एलिजा किट का इंपोर्ट USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका और साथ के साथ चीन से होता है। तो मोटे तौर पे इंडिया में इन्हीं दो देशों से एलिजा किट इंपोर्ट की जाती है। इसके अलावा कुछ एलिजा किट, कुछ स्पेशल पर्पज़ एलिजा किट और दूसरे देशों से भी आती हैं।
तो दोस्तों, साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एलिजा किट की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। मतलब आपको जब आप एलिजा किट इंपोर्ट एक टाइप के एलिजा किट इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, यानी एक बार में आपको कितनी किट इंपोर्ट करनी होती है, तो उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आमतौर पर 5 एलिजा किट होती है। मतलब आपको 5 एलिजा किट एक साथ इंपोर्ट करनी होती है। तो आप जब आप इस बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं या आप एलिजा किट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 सेट होगा, यानी 5 एलिजा किट होगा। लेकिन अगर आपकी खास रिक्वायरमेंट है या खास तरह के एलिजा किट है तो आप एक पीस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको काम की भी होगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम आपको एलिजा किट की सोर्सिंग में, उसके ट्रांसपोर्ट में, मतलब उसकी लॉजिस्टिक में, यानी जैसे मान लो आप यूएस से आप एक सप्लायर फाइनल करते हैं तो यूएसए से उसको इंडिया लाने में, बायर इंडिया लाने में, साथ के साथ उसकी कस्टम क्लियरेंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं या भविष्य में इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप एक फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट हैं, तो हमारा इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।